मेंटोर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म तुहाडा स्वागत है। अज आपां तुहाडे सामने न्यू आपां जिहड़ा आपणा सैट नंबर है 8वां ओह आपां स्टार्ट करन जा रहे हैं। पिछले 7 सैट असीं लगवा चुके हैं जिस नाल असीं तैयारी करा रहे हैं तुहाडे नैब तहसीलदार की, ठीक है, नैब तहसीलदार की कोऑपरेटिव इंस्पैक्टर की, दैन जिहड़े बच्चों का एग्जाम है नैब तहसीलदार का, दैन उन्हां दा एग्जाम लई असीं प्रोपर तैयारी करा रहे हैं। जिन्हां बच्चों ने हले तक तुहानूं नहीं पता असीं तुहाडी तैयारी करा रहे हैं, तो तुहानूं दस दईए रोज़ 12 बजे 12 या 12:30 बजे तक तुहाडे कोल क्लास आया करेगी। तुसीं रोज़ लगानी है ते अपने आप नूं एनालाइज़ करना है कि तुसीं क्या पढ़ रहे हो वो मैच कर रहे तुहाडे क्वेश्चनां नाल, क्योंकि उहदे जिहड़े क्वेश्चन करावांगा मैं तुहानूं अच्छे अच्छे क्वेश्चन होणगे। हरेक टॉपिक विच्चों मैं मान लो कि एक दिन च मैं 3 या 4 सबजैक्ट चकांगा, उस विच्चों अच्छे अच्छे टॉपिक्स तुहानूं मैं मैच करांगा तां कि तुसीं एनालाइज़ कर सको कि जो तुसीं पढ़ रहे हो क्या वो सही पढ़ रहे हो, सही तरीके नाल पढ़ रहे हो, जानना बहुत जरूरी है। उस तो इलावा सब तो वड्डी गल, कल सब तो वड्डा ऑफर असीं दित्ता है, सब तो वड्डा ऑफर है, सिर्फ कल तक अवेलेबल है, 21 अप्रैल तक अवेलेबल है। फिर कह दवां कि जिहड़ा कोंबो पैक है जिसकी मतलब ओरिजिनल प्राइस 7,000 रुपए सी, हुण वो घट के सिर्फ 2,000 रह चुकी है। कोंबो पैक लैण लई तुहानूं करना की पएगा, सिंपल टू सिंपल ऐप डाउनलोड कर लो। ऐप डाउनलोड करन तो बाद स्टोर ऑप्शन विच जायो, स्टोर ऑप्शन विच जाण तो बाद पहला ही जिहड़ा कोर्स देखण नूं मिलेगा कोंबो पैक तुसीं लै सकदे हो। दैन उस विच सारे दे सारे कोर्सिस आने वाले समय दे सारे एग्जाम की तैयारी उस विच कराई जाएगी, यानी कि तुहानूं 1 टाइम पेमेंट करनी है, बाकी सारे कोर्सिस लई 1 टाइम पेमेंट। देखो जे तुसीं पंजाब पुलिस का बैच भी लवो कला तो तुहानूं 1,000 रुपए का पेगा, कोऑपरेटिव इंस्पैक्टर का लोगे 1,000 रुपए का पेगा, नैब तहसीलदार का लोगे 1,000 रुपए का पेगा। तुहानूं इह सारे कोर्स तुहानूं इसी कोंबो पैक विच मिल जाएंगे सिर्फ 2,000 रुपए, ठीक है, सिर्फ 2,000 रुपए। यह ऑफर सिर्फ 2 दिन लई वैलिड है, मैं फिर कह दवां यह ऑफर जिहड़ा 2 दिन लई वैलिड है। जे तुसीं लैणा तां हुण ही जाके लै सकदे हो, दैन कल शाम तक यह वैलिड रहेगा। मैं फिर कह दवां 21 अप्रैल दुपहरे 3 बजे तक यह वैलिड रहेगा, उस तो बाद यह वैलिड नहीं रहेगा। तो जिन्हां बच्चे ने हले तक इसका ऑफर का फायदा नहीं उठाया वो जाके उठा सकते हैं, उन्होंने घट्टो घट 5,000 रुपए का फायदा होएगा, 5,000 कह लो साढ़े 4,500 रुपए का फायदा तुहानूं देखने मिलेगा। इस विच सारे दे सारी क्लासिस सारे दे सारे कोर्सिस इस विच अवेलेबल रहणगे, सारे बहुत सारी क्लासिस, यानी कि लगभग 1500 वीडियोस तो उपर की वीडियोस होया करनगियां इस विच। फिर मैं तुहानूं कह दवां तो प्लीज़ टाइम जाया ना करो, इसनों जाके तुसी हुणी लै सकदे हो। तो उस तो इलावा जिहड़े बच्चे नॉर्मल पंजाब पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं, तुहानूं दस दे कि 10,000 पोस्टां आने वाली हैं, 1 अप्रैल तो असी प्रोपर क्लास स्टार्ट कर चुके हैं। जिन्हें बच्चे ने हले तक ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर सकते हैं, लाइव क्लासिस ने, पीडीएफ्स ने, डन 999 का बैच है, जिन्हें बच्चे ने लैना वो लै सकते हैं। डन उस तो इलावा अगर देखो एक्साइज दी पोस्टा आउट होने वाली 176 पोस्टा, यदि आप पिछली बार भी तैयारी कराई थी, इस स्पैशल तैयारी करनी पैंदी है। तो इस एग्जाम की कोर्स की वैलिडिटी जी रहेगी है ना, वो 1 साल की रहेगी। डन तुहाडे को 1 साल के सारी क्लासिस रहनी है, 100 फ्री टेस्ट सीरीज अपन इस देखने मिलेगी, लाइव क्लासिस हैं, टॉपिक वाइज पीडीएफ्स हैं, 1999 का बैच तुहानू देखने मिलेगा, जाके तुसी हुणी लै सकते हो। उस तो इलावा कोऑपरेटिव बैंक की 738 पोस्ट जिदे बारे आपां डिटेल दसिया सी, इहदा नोटिफिकेशन भी बहुत जल्द आउट हो जाएगा। 100% सिलेक्शन बैच है, टॉपिक वाइज पीडीएफ्स हैं, इसका भी बैच तुहानू 1999 का देखने मिलेगा, क्योंकि इस भी बहुत अच्छी तैयारी करानी पैंदी है। बैंकिंग अवेयरनेस की तैयारी अच्छी चाहिए है, कंप्यूटर की तैयारी अच्छी चाहिए है, बहुत अच्छी अच्छी तैयारी करानी पैंदी है। तो इसके लिए यह जो कोर्स है इसका प्राइस जो बिल्कुल बहुत ही घट रखा से, डन जाके हुणी लै सकते हो, तो तैयारी शुरू एडवांस में कर सकते हो। डन चलो उस तो अलावा जीके मां पैक जिहड़े बच्चे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं नैब तहसीलदार, ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं नैब तहसीलदार, डन ओके वह लै सकते हैं, ठीक है जी, वह लै सकते हैं। तुहानूं मैं पहले ही दस दूँ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लैन तुहानूं करना की पेगा, सिंपल टू सिंपल तुसीं गिल्स मेंटोर ऐप डाउनलोड करो, ये जीके मां पैक तुहानूं VR MCQs विच कवर किए गए हैं, टॉपिक वाइज कवर किए गए हैं, 200 टेस्ट अवेलेबल रहेंगे तुहाडे कोल, ये जाके तुसीं हुणी लै सकते हो। बहुत ही घट प्राइस रखा है, 300 रुपए प्राइस असीं रखे है, डन ओके तुसीं ध्यान विच रख सकते हो। डन चलो उस तो इलावा अगे देखो वेट पहला क्वेश्चन जस्ट अ मिनट माफी चाहवांगा चलो पहला क्वेश्चन ध्यान ना पढ़ना। अच्छा ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बारे पूछ रहे हैं, मैं फिर कह दूंगा क्वेश्चन का समझना अपने, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बारे पूछा गया है, उसकी 3 स्टेटमेंट्स दी हैं,
ये ध्यान रखना, जो तो वर्ल्ड इकनोमिक फोरम बारे कुछ भी पता है तो उस आधार पर तीनों सिरमेंट्स ध्यान पढ़ोगे कि चीज़ा ये मैच कर रही हैं उसू ध्यान रखते हुए ऑप्शन करैक्ट करने ने कि स्टेटमेंट ठीक हो सकती है। फस्ट सैकेंड सैकेंड थर्ड फस्ट थर्ड फस्ट सैकेंड थर्ड। सो आप पहली स्टेटमेंट से चलते हैं, कहते जो वर्ल्ड इकनोमिक फोरम है वो एक इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन है जिस पब्लिक का भी कोऑपरेशन रहा है तो प्राइवेट लोगों का भी कोऑपरेशन रहा है, यानी कि इस जी फंडिंग है या इस जी कॉन्ट्रीब्यूशन है नॉर्मल एक्सपर्टीज का भी जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो पब्लिक का भी रहा है तो प्राइवेट का भी रहा है। क्या स्टेटमेंट ठीक है? उस तो अलावा जी ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट है वो इन्हों वालों मतलब पब्लिश की जाती है, तुम मैं दस सकते हो, तुम भावें इनू ध्यान ना भी रखो, तुम मैं सिंपल दस सकते हो कि जे ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट्स आप बहुत सारे रिपोर्ट्स में पढ़ते हैं क्या वर्ल्ड इकनोमिक फोरम ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट्स पब्लिश करता है, यह तुमने मैंने दसना है। तीजा कहें इस वर्ल्ड इकनोमिक फोरम के हैडक्वाटर जनीवा स्विट्जरलैंड ने, क्या यह स्टेटमेंट ठीक है? तुम्हें ध्यान पढ़ना इन्हों तो मैं दसना कि स्टेटमेंट्स ठीक हैं, पहली दूजी दूजी तीजी पहली तीजी फस्ट सैकेंड थर्ड, जल्दी दसो इसका आंसर क्या आएगा? अपना डी ऑप्शन देखने मिल जाएगा। डन ओके। सो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बिल्कुल सही गल है, एक पब्लिक प्राइवेट कोऑपरेशन है, इस ध्यान में रख सकते हो। डन ये कदों स्टैबलिश होया सी? सब तो वड्डी गल है कदों स्टैबलिश होया सी? 1971 विच स्टैबलिश होया सी। डन ओके 1971 विच स्टैबलिश होया सी, इसके हैडक्वार्टर जनीवा स्विट्जरलैंड विच ने। डन इस ध्यान में रखना है, ठीक है जी। उस तो अलावा जे आप देखिए ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट भी इन्हों वालों ही पब्लिश की जाती है। सो इस तरह के क्वेश्चन थोड़े तो इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन के स्टेटमेंट बेस पूछे जाएंगे, मैं ज़्यादा इस डेप्थ नहीं जा रहा, सिंपल टू सिंपल रखे ताकि ध्यान रहे, तुमने रिपोर्ट्स ध्यान रखनी इन्हों दी। इसका मतलब कि तुमने कभी भी जो आप कोई भी चीज़ पढ़नी वो इंपोर्टेंट चीज़ें जरूर पढ़नी है। मान लो तुम इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन पढ़ रहे हो, ठीक है, थोड़ा जो कोऑपरेटिव इंस्पैक्टर का कोर्स है उस भी देखा होना कि स्टैटिक जीके कराई हुई है, स्टैटिक अवेयरनेस कराई हुई है, उस रिपोर्ट्स भी कराई हैं, रिपोर्ट्स इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन दी तुमने याद रखनी है, उस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का याद रह जाएगा। जो तुमने इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन दी रिस्क रिपोर्ट्स याद रखनी है, थोड़ा अद्धा काम तो अपने आप ही हो गया, हैडक्वार्टर्स याद रख लोगे तो भी फायदा रहेगा। डन ओके। मगर इस पहली स्टेटमेंट तो नॉर्मल लग रही थी, इस करके आप आंसर जोड़ा डी ऑप्शन लगा सकते हैं। उस तो अलावा अगला क्वेश्चन ध्यान ना पढ़ो, एक इकोनॉमी नाल रिलेटेड है, सिंपल क्वेश्चन है, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। उन्होंने एक सिचुएशन देती, कहते ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर, कहते ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर जो आउटपुट नू यानी कि जी वो प्रोडक्शन है, ठीक है, उसनू रिड्यूस कर दे, उन्हों घटा दे, ठीक है, माल आना मार्केट विच घटा दे, ठीक है, घटा दे, तो जोड़ा माल ऑलरेडी है वो प्राइसिस इनक्रीज कर दे तो ज़्यादा प्रॉफिट कमावे। इस तरह के मार्केट स्ट्रक्चर आप कहने परफेक्ट कॉम्पीटिशन कहने, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पीटिशन कहने, ओलिगोपोली कहने, मोनोपोली कहने, कोई दस सकता मैं? ऐसा स्ट्रक्चर जिस विच की हो रहा है कि जेडे प्रोडक्शन है, ठीक है, उन्होंने रोक दिता गया, उन्होंने रिड्यूस रोक नहीं दिता गया, मतलब उन्होंने घटा दिता गया, ठीक है, जेड़ा एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, उसी नाल दे उन्होंने प्राइसिस इनक्रीज कर दिता तो प्रॉफिट में बढ़ा दिता ताकि कंपनी वो तो प्रॉफिट कमा सकन, है ना। इस तरह के मतलब स्ट्रक्चर आप कहने परफेक्ट कॉम्पीटिशन दसो मैं, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पीटिशन, ओलिगोपोली, मोनोपोली दसो, इसका आंसर आ जाएगा मोनोपोली, ठीक है जी। तो ध्यान से रख सकते हो इसका की स्ट्रक्चर होंगे कि ऐसा स्ट्रक्चर होंगे जिते सिंगल, ठीक है, एक सिंगल फर्म ही सारा कुछ कंट्रोल कर रही है, एक सिंगल फर्म ही सारा कुछ कंट्रोल कर रही है, उसके हाथ ही एंटायर मार्केट है, उसके हाथ ही एंटायर मार्केट है, ध्यान में रख सकते हो, ठीक है जी। उसकी मर्जी है वो किस चीज़ को घटा के अपना प्रॉफिट इनक्रीज करे, तो उसकी सब तो वड्डी स्ट्रेंथ की होंगी है कि वह प्रोडक्शन घटा देती है, प्रोडक्शन घटा देती है, आउटपुट घटा देती है, तो जो प्रोडक्ट्स ने उन्होंने प्राइसिस इनक्रीज कर देती है, कहती है कि पिछे वो माल नहीं आ रहा, जिस दे करना की चाहती है कि वो तो वह प्रॉफिट कमाया जा सके, सानू मोनोपोली देखने को मिलता है। उस तो अलावा जे आप देखिए परफेक्ट कॉम्पीटिशन की होंगे, परफेक्ट कॉम्पीटिशन होंगे जे आप देखिए कि लार्ज नंबर ऑफ समोल, जे अपने देखिए लार्ज नंबर ऑफ जो समोल फर्म्स हैं, ज़्यादा तो ज़्यादा जो समोल फर्म्स हैं वो अपने आप से कंपीट कर दें, एक दूजे नाल कंपीट कर दें, ठीक है। इस सिनेरियो की होंगे कि कोई भी सिंगल मार्केट नहीं होंगी, ठीक है, कोई भी सिंगल मार्केट नहीं होंगी, बहुत सारे फर्म्स होंगे, छोटिया छोटिया फर्म्स होंगे, इन द रिजल्ट की निकलता है कि ऑप्टिमल लैवल तो सानू इस आउटपुट देखने को मिलता है, यानी कि अच्छा सही तरीके प्रोडक्शन देखने को मिलती है। डन तो क्योंकि किसी भी मार्केट किसी भी फर्म का इन्फ्लुएंस नहीं है तो सारियां इक्वैलिटी देखने को मिलेगी, ये चीज़ देखने को मिलती है परफेक्ट कॉम्पीटिशन, जिस विच की हो रहा है स्मॉल फर्म्स देखने को मिल रही हैं लार्ज नंबर विच, वो आपस में ही कंपीट कर रही हैं, इस विच किसी भी सिंगल फर्म का इन्फ्लुएंस नहीं है, उसका दबाव
खराब नहीं है, दैन जिस करके की हो रहा है कि ऑप्टीमल लैवल की आउटपुट देखने को मिलेगी, तो यह चीज़ तुम्हें परवेट कॉम्पीटिशन देखने को मिलती है। डन ओके, ध्यान रख सकते हो, ठीक है जी, ओके ध्यान रख सकते हो। डन चलो अगर देखो ओलीगोपोली की होंगे, ये तो लिए होमवर्क है, तुम मैं दस सकते हो ओलीगोपोली की होएगा, कोई दस सकता मैं दसो मैनू ओलीगोपोली होएगा। जे मैं गल रखा इस डोमीनेट करेंगे समोल नंबर ऑफ फॉर्म्स, जो समोल नंबर ऑफ फॉर्म्स होंगे और डोमीनेट कर दी है। डन मगर उन्हों का जो लिमिटेड कॉम्पीटिशन होंगे कि लिमिटेड कॉम्पीटिशन होंगे, ये फॉर्म जब अपने आप च कंपीट कर दी है या कोलैबोरेट कर लेंदी एक दूजे, ठीक है, कोलैबोरेट कर लेंदी है, इस जिस करके की होंगे मार्केट में मतलब जी होल्ड है ज़्यादा ज़्यादा तो ज़्यादा बनाना रखना चाहती है। की करती है इस समोल फॉर्म्स होंगे मगर लिमिटेड तौर पर होंगे, इन्हें जो कंपीटिशन है वह भी लिमिटेड होंगे। कई बार की होंगी समोल फॉर्म जी उस एक या दो फॉर्म्स आपस कट्ठिया हो जाएंगी, तो उन्हों का मार्केट स्ट्रक्चर एंटायर जोड़ा वो लै लेंदियां ने, जिद करके कर दें कि उसके इन्हों फायदा यह हो जाता है कि अपनी प्रोडक्शन कंट्रोल करना इन्हों के हाथ में आ जाता है, जिद प्रोडक्शन इनक्रीज कर सकती हैं, ठीक है, प्रोडक्ट्स के प्राइसिस इनक्रीज कर सकती हैं, ताकि वो तो प्रॉफिट कमाया जा सके, ध्यान रख सकते हो, ठीक है जी, ओके सो इस तुमने ध्यान रखना है। डन ओके चलो उस अलावा अगर देखो अगला अपना क्वेश्चन इकोनॉमी रिलेटेड आ गया कॉल मनी मार्केट, कभी नाम सुने कॉल मनी मार्केट का, जे नहीं सुने आज तुम्हें पता लग जाएगा। डन कॉल मनी मार्केट पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि एक इंटरबैंक मनी मार्केट है, जिस विच की होंगे फंडस बोरो किए जाते हैं तो लेंट किए जाते हैं, ठीक है, उधार तो ले जाते हैं दिते भी जाते हैं, तो जनरली ओवरनाइट बेसिस से, यानी कि रातों रात आप फंडस बोरो कर सकते हैं तो लेंट कर सकते हैं, इस तरह की मनी मार्केट में आप कॉल मनी मार्केट कहा जा सकता है। यह पहली स्टेटमेंट कहना चाह रहे हैं, क्या स्टेटमेंट ठीक है? इस जे पार्टीसपेंट्स होंगे ने कौन होंगे ने? शड्यूल कमर्शियल बैंक्स होंगे ने, किड़े शड्यूल कमर्शियल बैंक जो नॉर्मल सू बैंक्स देखने को मिलते हैं, रीजनल रूरल बैंक्स होंगे ने, तो शड्यूल कोऑपरेटिव बैंक्स होंगे ने, क्या स्टेटमेंट ठीक है ये तुम मैंने दसना है, ध्यान पढ़ो मैं दसो, फर्स्ट ठीक है, सैकेंड ठीक है, बोथ वन एंड टू, नाइदर वन एंड टू, जल्दी दसो मैं कि आंसर आएगा। देखो इसका आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन, बिल्कुल सही गल है, एक इंटरबैंक मनी मार्केट है जिस विच हुंदा की है कि तुसी रातों रात बोरो कर सकते हो, पैसे लेंट कर सकते हो, ये बिल्कुल ठीक गल है। कॉल मनी मार्केट मतलब रातों रात तुसी पैसा कॉल करके मंगाया जा सकता है, जे आप नॉर्मल समझिए, तो ये फंडस की ट्रांजैक्शन जो पीरियड है, ठीक है, ये फंडस का जी मतलब लेंडिंग है जी बोरिंग है उनका पीरियड कितना होता है, दो दिन का भी हो सकता है तो 14 डेज का भी हो सकता है, यानी कि 2 दिन तो लैके 14 डेज तक हो सकता है, ठीक है जी, तुम ध्यान में रख सकते हो कि कितना इंटरस्ट पेगा कितना नहीं पेगा। डर ओके ध्यान में रख सकते हो। उस तो अलावा जे मैं अगे गल देखा इस जे मतलब पार्टीसपेंट्स होंगे ने जे आप देखिए और शड्यूल कमर्शियल बैंक जरूर होंगे ने मगर RRB नहीं होंगे, RRB कॉल मनी मार्केट में हिस्सा नहीं लाते हैं, कॉल मनी मार्केट में हिस्सा नहीं लाते हैं, तुम ध्यान रख सकते हो, इस RRB लोग नहीं होंगे ने, कोऑपरेटिव बैंक जरूर होंगे ने और इस मतलब पार्टीसपेंट कर सकते हैं। उस तो अलावा कुछ जड़िया सिक्योरिटी ट्रेडिंग कंपनीज है जी आप देखा सिक्योरिटी ट्रेडिंग ऑफ इंडिया और इस पार्टीसपेट कर सकती है। उस तो अलावा जी आप लेंडर तो बोरस इस देखने मिल जाते हैं, इस ध्यान रख सकते हो, ठीक है ओके। नाबार्ड जोड़ा नाबार्ड भी इस पार्टीसपेट कर सकता है, तुम ध्यान रख सकते हो। नैशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डिवेलपमेंट इस ध्यान में रखना है, इन चीज़ों तुमने समझ के रखना है कि मतलब आ सकते हैं। डन ओके सो नैक्सट क्वेश्चन ध्यान पढ़ना अपने, अगला आ गया एग्रीकल्चर रिलेटेड, ठीक है, एग्रीकल्चर रिलेटेड कह लो, इनू इकोनॉमी रिलेटेड कह लो। उन्होंने क्या है कि इन्हें प्रैक्टिस ए प्रैक्टिस हैं, तीन स्टेटमेंट्स जिहड़ियां प्रैक्टिस दियां, उन्होंने पूछा है ये सारी क्या इन्हों कि प्रैक्टिस सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के नाम ना जानिया जाऊँगी, ठीक है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के नाम ना जानिया जाऊँगी। हूँ मैंने तुम्हें यह दसन की लड़ तो नहीं है कि इन सस्टेनेबल आप किनू कहने डर, ये तो तुम्हें पता ही होएगा, कॉमन सेंस की गल है, तुम मैं दसो इस सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कि हो सकती ने, क्या जीरो बजट फार्मिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है, नॉन टिल एग्रीकल्चर जोड़ा एग्रीकल्चर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है, मोनोकल्चर फार्मिंग प्रैक्टिस क्या है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है, ध्यान पढ़ो मैं दसो कि स्टेटमेंट ठीक होएगी, फर्स्ट सैकेंड सैकेंड थर्ड, फर्स्ट थर्ड, फर्स्ट सैकेंड थर्ड, जल्दी दसो यदा आंसर आ जाएगा अपना ए ऑप्शन, ठीक है, जीरो बजट फार्मिंग बिल्कुल सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है, नॉन टेल एग्रीकल्चर जी वो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है, ठीक है, तुम ध्यान में रख सकते हो। बट मोनोकल्चर जी फार्मिंग प्रैक्टिस होंगी है और कोई भी मतलब जो आप देखिए कोई भी सस्टेनेबल प्रैक्टिस नहीं है, तुम ध्यान में रख सकते हो। डन ओके, इस फर्टिलाइजर का भी यूज होंगे जी मोनोकल्चर होंगी है, डन ओके, तो उस तो अलावा इस प्रैक्टिस मतलब बहुत ही घट ऑरगैनिक मैटर का यूज होता है, जिते बहुत ही घट ऑरगैनिक मैटर का यूज हो किवें सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हो सकती है। डन ओके, ध्यान में रख सकते हो, ठीक है जी।
ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੀਰੋ ਬਜਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੋ ਕੋਸਟ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਪੁੱਟ ਹੈ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋ ਕੋਸਟ ਵਾਲਾ ਇਨਪੁੱਟ ਜਿਹੜਾ ਕੋਸਟ ਵਾਲਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੋਰਮਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ, ਮਤਲਬ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕੈਮੀਕਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਬਜਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਦੈਨ ਓਕੇ, ਇਸ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ ਚਲੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀ ਦੇ ਕੁਸ਼ਚਨ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਓਰਡੀਨੈਂਸ ਮੇਕਿੰਗ ਪਾਵਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਓਰਡੀਨੈਂਸ ਮੇਕਿੰਗ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੈਨ ਓਕੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਤਿੰਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਦੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਫਸਟ ਸੈਕਿੰਡ, ਤਾਂ ਕਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਆਂਸਰ ਕਰੈਕਟ ਹੋਏਗਾ। ਫਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਬੋਥ 1 and 2, ਨਾਈਦਰ 1 and 2। ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਓਰਡੀਨੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦ ਆਈਦਰ ਆਫ ਹਾਊਸ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਓਰਡੀਨੈਂਸ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਠੀਕ ਹੈ? ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਓਰਡੀਨੈਂਸ ਸਰਵਾਈਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਓਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਸਿਰਫ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ। ਦੈਨ ਓਕੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਅਪਰੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕੁਛ ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਅਪਰੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਤਾਂ ਓਰਡੀਨੈਂਸ ਸਿਰਫ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਰਫ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਉਹ ਵੈਲਿਡ ਰਹੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੈਲਿਡ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੈਨ ਓਕੇ, ਅਤੇ ਕਿਆ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਠੀਕ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਂਸਰ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਏ ਆਪਸ਼ਨ। ਦੇਖੋ ਉਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਮੈਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਮਤਲਬ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਪੋਲੀਟੀ। 6 ਮੰਥਸ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਪਲੱਸ 6 ਵੀਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ, ਐਂਡ 6 ਵੀਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਨ ਕੇਸ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅਪਰੂਵਲ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ, ਦੈਨ ਓਕੇ, 6 ਮੰਥਸ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਕਸੀਮਮ ਗੈਪ 2 ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਦੈਨ ਪਲੱਸ 6 ਵੀਕਸ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਦੈਨ ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੈਨ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ, 6 ਮੰਥਸ ਪਲੱਸ 6 ਵੀਕਸ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਓਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਜਦ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਹਾਊਸ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ, ਓਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਮੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਓਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਥਰੂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕੁਸ਼ਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਮੈਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਛ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਲਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦੇਖੋ, ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਓਰੀਜਨਲ ਜੁਡੀਕੇਸ਼ਨ ਔਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇੰਕਲੂਡ ਦੇ ਡਿਸਪਿਊਟ ਬਿਟਵੀਨ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪਾਵਰਸ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੁਡੀਕੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਓਰੀਜਨਲ ਜੁਡੀਕੇਸ਼ਨ, ਰਿਟ ਜੁਡੀਕੇਸ਼ਨ, ਹੈ ਨਾ, ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜੁਡੀਕੇਸ਼ਨ, ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਓਰੀਜਨਲ ਜੁਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਐਸੇ ਕੇਸਿਸ ਜੋ ਸਿੱਧਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੁਣ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਡਿਸਪਿਊਟ ਦਾ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਵਨ ਔਰ ਮੋਰ ਸਟੇਟਸ ਦਾ, ਜਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਨੀ ਸਟੇਟਸ ਔਰ ਸਟੇਟਸ ਔਨ ਵਨ ਸਾਈਡ ਔਰ ਔਨ ਔਰ ਮੋਰ ਔਨ ਅਦਰ ਸਾਈਡ 2 or more ਸਟੇਟਸ। ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਚੋ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਠੀਕ ਹੋਏਗੀ, ਫਸਟ, ਥਰਡ, ਫਸਟ, ਸੈਕਿੰਡ, ਥਰਡ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਓਰੀਜਨਲ ਜੁਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਆ ਮਤਲਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਐਸਾ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਓਰੀਜਨਲ ਜੁਡੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੇਸਿਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਸਿੱਧਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੁਣ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਝਗੜੇ ਦੀ, ਝਗੜਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਅਤੇ 1 or more ਸਟੇਟਸ ਦਾ, ਜਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਐਨੀ ਸਟੇਟ ਔਨ ਵਨ ਸਾਈਡ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਪਲੱਸ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕੁਛ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟੇਟਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਨੇ, ਉਸ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸ 'ਚ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਡਿਸਪਿਊਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਣਗੇ ਓਰੀਜਨਲ ਜੁਡੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ? ਜਲਦੀ ਦੱਸੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਪਲੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਆਪਣਾ? ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਠੀਕ ਹੈ, ਓਰੀਜਨਲ ਜੁਡੀਕੇਸ਼ਨ ਜੋ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਦੈਨ ਮੰਨ ਲਓ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ 1 or more ਸਟੇਟ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਝਗੜਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੁਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਪਲੱਸ 1 state ਇਸ ਐਂਡ ਅਦਰ ਸਾਈਡ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਝਗੜਾ ਉਹ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੁਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ 2 or 2 to 1 ਸਟੇਟਸ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਉਹ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੁਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੈਨ ਓਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੂ ਫਲੈਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ
कि इंडिया जेड़ा ओनली साउथ एशियन कंट्री है जिसनों ब्लू फ्लैग विच इज़ दा कन्फर्ट किया गया, यानी कि जिसनों जिस कंट्री विच कुछ एरियस नू आपने ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिता है, ब्लू फ्लैग ब्रिजेस देखने को मिलती हैं। क्या इंडिया कल्ला ऐसा साउथ एशियन कंट्री है? क्या स्टेटमेंट वाकई ठीक है कि साउथ एशियन कंट्री भी सिर्फ भारत ही ऐसा कंट्री है जिथे ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन कुछ बीचिस नू सर्टिफाइड किया गया? क्या वाकई स्टेटमेंट ठीक है? दूजा कहें ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन इज अवॉर्डेड बाय द इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन। इस तरह का सर्टिफिकेट देना, इस तरह का ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन देना वो कौन ऑर्गेनाइजेशन देती है? कहते इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन देती है। क्या स्टेटमेंट ठीक है? क्या वाकई इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन देती है? ये तुम मैं दसना है। कि स्टेटमेंट ठीक होगी? फर्स्ट, सैकेंड, बोथ वन, नाइदर वन एंड टू। इधर आंसर आ जाएगा अपना ए ऑप्शन। ठीक है, इधर आंसर क्या आएगा? अपना ए ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ तो सिर्फ पहली स्टेटमेंट बिल्कुल आप देखिए तो ठीक है। अपने पूरे वर्ल्ड, अपने साउथ एशियन कंट्री सिर्फ कल इंडिया ही ऐसी कंट्री है जिस विच तुहानू देखने को मिलेगा कि बहुत सारी जिन्हों ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए रिकमेंड किया जाता है। सिर्फ इंडिया में घट्टो घट्ट 8 ऐसी जगहवां ने जिड़िया मैं कह सकता जितने ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन रिकमेंड किया गया दैन इस इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जी जिमें मैं फॉर एग्जाम्पल कह शिवराजपुर गुजरात में एक बीच है उत्थे। ठीक है, शिवराजपुर गुजरात में तुम ध्यान में रख सकते हो जिसनों ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिता गया। उस तो अलावा जी आप देखिए गोगला दमन एंड दियो, गोगला दमन एंड दियो डन। उस तो अलावा कसरकोड, कसरकोड ठीक है, तो पाडू ये दोनों कर्नाटका विच ने, ध्यान में रखना। कुछ कुछ याद है मैं जिस दे बारे तुम्हें दस रहा यह जोड़ा प्रोग्राम है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन देन का, इसका मतलब की है? इस विच चाहते हैं कि साडे जिहड़े बीचिस हैं वो मतलब साफ रहन, अच्छे रहन, ठीक है, एक वैल क्वालिफाइड उत्थे इंफ्रास्ट्रक्चर रहे। ठीक है, तो उसके लिए कुछ मतलब उन्होंने वो बनाए हुए हैं, रिक्वायरमेंट्स बनाए हुए हैं कि जे थोड़े उरे उरे चीज़ा पूरिया होनगियां तो तुहानू असीं ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट देवांगे। इहदे नाल फायदा की हो जाता है? टूरिज्म वधदा है। ठीक है, उत्थे उत्थे दी स्टेट नूं एक रैकग्निशन मिलता है। तो यह इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन वल्लों शुरू किया गया। इसके हैडक्वार्टर कित्थे ने? इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन दे एक कोपनहेगन डेनमार्क विच ने, तुसीं ध्यान विच रख सकदे हो। ठीक है जी, ओके, सॉरी माफ़ करना, मैं गलत बोल रहा बी ऑप्शन में इंटरनेशनल मैग्नेशन गलत है ना, क्योंकि इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन नहीं देता। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन कौन देता है? आई थिंक सो एक फाउंडेशन है, मैं याद आ रहा है फाउंडेशन है, मैंने माफ़ करना मैं गलती नाल बोल गया। फाउंडेशन एनवायरमेंट का फाउंडेशन है, तुसी देख लेना एनवायरमेंट का। ठीक है, इसके हैडक्वार्टर जेडे ने कोपनहेगन डेनमार्क विच ने, तुसी ध्यान में रख सकते हो। ठीक है जी, ये जिहड़ा फाउंडेशन है ये देता है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन डन। ओके जी, तुसी ध्यान में रख सकते हो। ठीक है जी, तो जे आप साउथ ईस्ट कंट्री सिर्फ कल इंडिया ऐसा कंट्री है जिसनों कुछ सर्टिफिकेशन मिली हुई है। ठीक है, कुछ बीचिस सर्टिफिकेशन मिली हुई है। जे आप टोटल एशिया में देखिए सिर्फ 3 ऐसी कंट्रीज हैं जिहड़ियां आउंदियां ने जिन्होंने ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन उन्हें कन्फर्ट किया गया है। उस दिन कुछ बीचिस ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिता गया। एशिया में कड़ी कंट्रियां हो सकती हैं? जापान, साउथ कोरिया, एक होर है अपने मैं याद नहीं आ रहा, हाँ UAE। ठीक है जी, ओके, ध्यान में रख सकते हो। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द लैफ्ट साइड ट्रिब्यूटरी ऑफ महानदी रिवर। अपने रिवर्स बारे पढ़े तो मैंने वो ट्रिब्यूटरी बारे दसना है। और उन्होंने लैफ्ट साइड ट्रिब्यूटरीज बारे पूछा, महानदी रिवर दी लैफ्ट साइड ट्रिब्यूटरी मैंने दसो कि हो BCD कौन ऑप्शन लगेगा? इसका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन, सियोनाथ, हसदो, इब, मंद। ठीक है, ये साड़ियाँ लैफ्ट साइड ट्रिब्यूटरीज ने, तुसीं ध्यान में रख सकते हो। ठीक है जी, ओके, जे मैं प्रोपर अपन मेजर ट्रिब्यूटरीज देखा महानदी रिवर दियाँ वो मैं याद आ रही हैं, एक तो हैगी सियोनाथ, आई थिंक सो सियोनाथ। ठीक है, उस तो अलावा जोंक, हसदो वो मैं लिख ही दिता, और इब लिख सकते हो, ओंग तेल। ठीक है जी, ओके, ध्यान में रखना डन। ओके, ध्यान से रखना जी सियोनाथ रिवर है वो लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है महानदी रिवर की, ध्यान में रख सकते हो। ठीक है जी, चलो अगला क्वेश्चन हूँ ध्यान में पढ़ना है, पेयर मैच करने में। ठीक है, एक पास रेवोल्यूशन दिता है, दूसरे पास पूछा गया और रेवोल्यूशन कहता है, सिल्वर रेवोल्यूशन क्या एग पोल्ट्री बारे दसद है,
ਬਲੈਕ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਗ੍ਰੇ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਯੈਲੋ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਇਲ ਸੀਡ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਪੇਅਰ ਮੈਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ? ਫਸਟ ਫੋਰ, ਸੈਕਿੰਡ ਥਰਡ, ਫਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਥਰਡ, ਫਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਥਰਡ ਫੋਰਥ। ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਏ ਐਂਡ ਫੋਰ ਆਪਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਲਵਰ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਗਲੂਟਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਯੈਲੋ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਇਲ ਸੀਡ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੇਖਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਲੈਕ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਬਲੈਕ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੇ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਹ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਵਾਈਟ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਮਿਲਕ। ਡਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਊਂਡ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਪੋਟੈਟੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਡਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਕ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਅਨੀਅਨ, ਅਨੀਅਨ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਨ ਕਹਿ ਲਓ। ਡਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਹੋਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੈੱਡ ਮੀਟ ਜਾਂ ਟਮੈਟੋਸ। ਡਨ। ਚਲੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆ ਗਿਆ, ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਇੱਕ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਡਨ। ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਐਕਟ 1773 ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਐਕਟ 1773 ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਡਨ। ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕਿਆ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ? ਕਿਆ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ? ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਡਬਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅਬੋਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਐਂਡੀਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਡਬਲ ਗੌਰਮੈਂਟ, ਉਸਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੋਰਡ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਲਿਆਏ ਗਏ। ਕਿਆ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਠੀਕ ਹੈ? ਜਲਦੀ ਦੱਸੋ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸੀ ਡਬਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਬੋਰਡ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕੋਰਟ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ, ਕਿਆ ਇਸ ਥਰੂ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੀ ਨਾਮ ਅਬੋਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ? ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਫਸਟ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ, ਬੋਥ 1 and 2, ਨਾਈਦਰ 1 and 2? ਮੈਂ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਗਲਤ ਨਾ ਬੋਲ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਬਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਅਬੋਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਥਰੂ। ਕਿਆ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਠੀਕ ਹੈ? ਜਲਦੀ ਦੱਸੋ, ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਕੇ, ਇਹ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਕੇ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ 1858 ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਡਬਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ 1858 ਵਾਲੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਡਬਲ ਗੌਰਮੈਂਟ, ਨਾ ਕਿ 1773 ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਅਬੋਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ 1858 ਦੇ ਐਕਟ ਥਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ 1773 ਦੇ ਐਕਟ ਥਰੂ। ਤੋ ਇਹ ਦੂਜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਡਨ। ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਆਂਸਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਡਨ, ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਨ, ਓਕੇ, ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਕੁਸ਼ਚਨ। ਅਗਲਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈਗਾ, ਬੁੱਕਸ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰ ਹੈ ਜਾਂ ਬੁੱਕ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਨੇ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪੇਅਰ ਨੂੰ ਮੈਚ ਕਰਨਾ। ਇਕਨੋਮਿਕ ਹਿਸਟਰੀ ਕਿਆ ਦਾਦਾ ਭਾਈ ਨਾਰੋ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਾਇਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਆਰ ਸੀ ਦੱਤ ਵੱਲੋਂ ਸੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਡੈਪਟੂ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਵੱਲੋਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੀਲ ਦਰਪਨ ਦੀਨ ਬੰਧੂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀ। ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਪੇਅਰ ਮੈਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੈਰ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਪੇਅਰ ਮੈਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਥਰਡ ਅਤੇ ਫੋਰਥ ਮੈਚ ਕਰ ਰਹੇ। ਡਨ, ਓਕੇ, ਥਰਡ ਅਤੇ ਫੋਰਥ ਮੈਚ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਕਨੋਮਿਕ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੁੱਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀ? ਇਹ ਆਰ ਸੀ ਦੱਤ ਵੱਲੋਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀ? ਆਰ ਸੀ ਦੱਤ। ਆਰ ਸੀ ਦੱਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਦੱਤ। ਡਨ, ਓਕੇ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ, ਵਾਇਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਿਹਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਵਾਇਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾਦਾ ਭਾਈ ਨਾਰੋ ਜੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਡੈਪਟੂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਡੈਪਟੂ ਇੰਡੀਆ, ਉਹ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਡਨ, ਓਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੀਲ ਦਰਪਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਦੀਨ ਬੰਧੂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਡਨ, ਓਕੇ, ਆਈ ਥਿੰਕ 1858 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਡਨ, 1859 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚਲੋ,
अगे आप रिवोल्ट की गल कर लें 1857 का जो रिवोल्ट होया उन्होंने कारण पूछे कोजिस पूछे ने ठीक है। पहला कहते हैं रिवोल्ट इस करके होया क्योंकि जी पेमेंट है जी प्रमोशन है उस भेदभाव देखने मिले जिस करके रिवोल्ट का एक मतलब तुम कारण कह सकते हो। दूजा कहें एक हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट लिया गया से उसी दौरान इस रिवोल्ट होने तो पहला उसका भी एक तरीके लोगों के मन में उन्होंने मतलब अपने जोड़े संस्कृति सन उन्होंने अपने मतलब रीति रिवाज सन उसू लैके भी उन्होंने गुस्सा से कि ऐसा कानून क्यों लिया गया। तीजा कि एक कलैश देखने मिल रहा है सर्विस कंडीशनस में लैके तो रिलीजियस प्रैक्टिस में लैके सिपोए मतलब जो उत्थे के जोड़े सिपाही सन उन्होंने अपना एक धार्मिक जोड़ा उन्होंने मतलब रिस्पैक्ट से कितने ना कितने मतलब उस सू एक कलैश देखने को मिले उन्होंने जिम्मे आर्मी की कोई सर्विस कंडीशन से जो कितने ना कितने रिलीजियसली कितने ना कितने ठेस पहुँचा रही थी। क्या वाकई स्टेटमेंट ठीक है। चौथा कहें कि एक मिस ट्रीटमेंट देखने को मिलता है स्पॉइस का ब्रिटिश वालों ऑफिशियस वालों ठीक है। क्या स्टेटमेंट ठीक है। चारा ध्यान से रख दिया मैं दसो सैकेंड फोर्थ थर्ड फोर्थ फर्स्ट सैकेंड फोर्थ फर्स्ट सैकेंड थर्ड फोर्थ कोई दस सकता मैं बिल्कुल सही है। चारों के चारों स्टेटमेंट ठीक है ये चारों के चारों कारण बन सकते हैं दैन तुम ध्यान में रख सकते हो। दैन उस अलावा होर भी हो सकता है एक रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट लिया गया से 1850 का उस वो भी हो सकता है। उस अलावा जे आप देखिए जिमें गौरमेंट ने फॉरेन सर्विस अलाउंस देना मतलब मना कर दिता गया किसी भी रिमोट रीजन में तो उसका भी नुकसान जोड़ा है आर्मीज़ को होया ठीक है। उत्थे कुछ लोगों को होया इंडियन जोड़े मतलब जोड़े सिपाही सन है ना तो उन्हों का भी एक मतलब एक रोस देखने मिले वो चीज़ सूँ देखने मिलती है। डन ओके ठीक है जी डन। चलो अगला क्वेश्चन राज्यसभा ना रिलेटेड है हूँ राज्यसभा रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है क्या आप राज्यसभा नहीं इंट्रोड्यूस कर सकते क्या वाकई स्टेटमेंट ठीक है। उस अलावा कहें राज्यसभा जिहड़ियां वाइस प्रेजिडेंट दियां ही जिहड़ियां मतलब रिमूवल दियां प्रोसीडिंग्स है वो इनिशिएट कर सकता है मतलब सब तो पहले जिहड़ियां वाइस प्रेजिडेंट नूं हटाना होएगा उसकी जिहड़ियां सब तो पहले जिहड़ी प्रोसीडिंग्स है सब तो पहले जिहड़ी कार्रवाई है वो राज्यसभा द्वारा ही होएगी। क्या वाकई स्टेटमेंट ठीक है। दोनों नूं ध्यान नाल पढ़ो मैनूं दसो फस्ट ठीक है सैकेंड ठीक है बोथ वन एंड टू नाइदर वन एंड टू इदा आंसर आएगा अपना बी ऑप्शन ठीक है जी ओके। जोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है वह किसी भी पार्लियामेंट यानी कि किसी भी हाउस के पार्लियामेंट द्वारा शुरू किया जा सकता है भावें राज्यसभा हो लोग सभा हो ठीक है। आर्टिकल 368 बारे दसया गया है ये जो तुम्हें याद हो दैन ओके ध्यान में रख सकते आई दरों पार्लियामेंट भावें ठीक है बस स्पैशल मेजोरिटी ना पास होना चाहिए। दूजा बिल्कुल ठीक है जोड़ा वाइस प्रेजिडेंट को हटाना उसकी जी प्रोसीडिंग है सब तो पहले राज्यसभा तो स्टार्ट होनी दैन ओके उस मेजोरिटी मैंबरस पास करेंगे दैन एग्रीड हो उस तो बाद जाके जो लोग सभा मैंबर है उन्होंने एग्रीड करना होगा दैन फिर ये रेजोल्यूशन है इस पास करने लिए एटलीस्ट 14 दिन का पहले नोटिस देना जरूरी है इस ध्यान में रख सकते हैं दैन। चलो ये अगर के क्वेश्चन जो आपने किए सो मैं दसना किस तरह के लग रहे हैं तुम्हें क्वेश्चन डन ओके। सो ये थोड़ा रोज़ एम सी क्यू डिस्कशन है जो असं कर रहे हैं अज 8वां सैट है बिल्कुल 8 सैट लग चुके हैं तैयारी करो अगे वधो डन 15-15 घंटे पढ़ो तुसी ठीक है 6 घंटे रीजनिंग करो 6 घंटे जीके करो पहले 6 उठ जाओ 3-4 बजे उठ जाओ ठीक है मोस्टली 12 बजे तक जीके करो फिर 2 घंटे आराम करो फिर 3 बजे तो लेकर रात के 8 बजे तक रीजनिंग करो डन ओके। इस तरीके तैयारी करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा ठीक है 12 घंटे का घट्टो घट्ट पढ़ना ही पढ़ना तुमने। सो थैंक यू जाने तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करो वीडियो को लाइक करो जिहड़ा ऑफर चल रहा है 2 दिन लिए वैलिड है लै सकते हो हुणी ग्रिल्स मेंटोर ऐप डाउनलोड करो स्टोर ऑप्शन से जाओ जाके लै सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच।